गोवन वार्ता लाइव चे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट वीडियो चे नोटिफिकेशन मिळवा। कर्मचाऱ्यांच्या संपानंतर ACGL चे CFO राघवेंद्र यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला, त्यावेळी त्यांनी कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मॅनेजमेंट सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचा दावा देखील केला। नेमके ACGL चे CFO काय म्हणाले तुम्हीच ऐका। जो हम लोगों ने लास्ट सेटलमेंट साइन किया था 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2021, उसमें हम लोगों ने सैलरी इंक्रीज दिया था अराउंड 6850 पर एम्प्लॉय। तो उसके वो किस लिए दिया था, उसमें एक कमिटमेंट दिया गया था यूनियन की तरफ से कि हम लोग 6 बस पर डे बनाएंगे। तो लेकिन आज की डेट में आज वो एग्रीमेंट हुए भी 3-4 साल हो गए हैं, जो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी है 1.5 बस पर वर्कर, तो 1.5 बस पर प्लांट है आज की डेट में आउटपुट, जो कि 25% आउटपुट है, जो जिसके बेस पे हम लोगों ने लास्ट सेटलमेंट दिया था। मार्केट कंडीशन आप सबको मालूम ही है कि मार्केट कंडीशन कैसा चल रहा है, जो कि पैंडमिक की वजह से और ख़राब हो गया है। तो हम लोगों का आज की डेट में अगर हम 5000 बस बनाते हैं तब जाके इस प्लांट का खर्चा निकलता है। तो लेकिन क्या है कि वो खर्चा हम कैसे प्लांट को वाइबल कर सकते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्शन देना लग जाए परमानेंट एम्प्लॉयज, तो उससे क्या होगा कि एक आपका जो एक आउटफ्लो जा रहा है एक्स्ट्रा, क्योंकि हम लोग पीस रेट वर्कर भी एम्प्लॉय करते हैं जो भी बैकलॉग है उसको कंप्लीट करने के लिए। लेकिन आज की डेट में अगर ये प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है तो कंपनी में भी वाइबिलिटी आएगी, कंपनी को भी बिजनेस मिलेगा। आज की सिचुएशन क्या है कि हम लोग गोवा में सिचुएटेड हैं, गोवा में ही आप देखें तो एक धारवाड़ में भी बहुत बड़ा बस बॉडी बिल्डर है। गोवा से अगर हम मान लो कोई रिमोट लोकेशन में गाड़ी भेजते हैं, उसको भेजने का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और ओवर द ईयर हम लोगों का क्या है कि ओवरहेड बहुत बढ़ गया है। आज की डेट में 50 से 55 हज़ार रुपये CTC है एक वर्कर की, करीब करीब हमारा 18 करोड़ का आउटफ्लो जाता है सिर्फ वर्कर को पे करने के लिए, यानी 1.5 करोड़ पर मंथ। उसका आउटपुट क्या है, 1.5 बस पर डे। तो अगर मान लो आज की डेट में इनका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, क्योंकि हम लोगों ने प्रोडक्टिविटी असेसमेंट भी कराया था नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, और उसके मुकाबले देखें तो वो 15 से 20% प्रोडक्टिविटी लेवल पे हैं, एग्रीमेंट के हिसाब से देखें तो 25%। तो हम लोगों का उनसे यही रिक्वेस्ट था कि अभी का जो सेटलमेंट है आप प्रोडक्टिविटी ड्रिवन होना चाहिए, क्योंकि पहले भी आपने एक कमिटमेंट दिया था जो पूरा नहीं हुआ। आज उसकी वजह से क्या है कि हमारा बस बनाने का लागत बहुत बढ़ गया है और हमको बिजनेस मिलना बंद हो गया है। अभी पैंडेमिक तो थोड़ा थोड़ा रिवाइवल हो रहा है, हम लोगों का बस जाता है मिडिल ईस्ट में जाता है, स्कूल सेगमेंट में जाता है, लेकिन मेजर जो हमारा कंपटीटर है आज की डेट में वो भी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव बस निकाल रहा है। तो हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हाई, हमारा ओवरहेड हाई, तो हम उसको कैसे कम कर सकते हैं? अल्टीमेटली क्या है, हमको बिजनेस मिलेगा तब ये कंपनी चलेगा। बिजनेस लेने के लिए हम लोगों का लागत अच्छा होना चाहिए, लागत होने के लिए हम लोगों का कॉस्ट भी अच्छा होना चाहिए, कॉस्ट चाहे मटेरियल फ्रंट में हो चाहे हमारा प्रोडक्टिविटी फ्रंट में हो। तो हमारा यही रिक्वेस्ट था कि हम एक एक सेक्शन को खुश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा कि हम लोग एक सेक्शन को खुश करेंगे, कल को हम लोग इतना अनवाइबल हो जाएगा कि हमको बिजनेस मिलना मार्केट से मुश्किल हो जाएगा। जिसका असर किस पे पड़ेगा, असर होगा जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है एम्प्लॉय, करीब 2000 लोग। तो यही रिक्वेस्ट था, फिर ये डिस्कशन चलता रहा, इवन CM साहब ने भी हेल्प करने का कोशिश किया, लेकिन देन क्या हुआ कि ये नहीं एग्री किया, तो हम लोगों का कंसिलिएशन फेल हुआ ऑफर देके। क्योंकि अगर CM का ऑफर वो एग्रीएबल होता तो हम लोग अपना बोर्ड के पास जाते थे डिस्कशन के लिए और अप्रूवल के लिए, तो सिंस वो आगे बढ़ा नहीं तो फिर हम लोगों की तरफ से कोई उसके आगे भी पहल नहीं हुआ।